हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स व्यूअर्स लिसनर्स, मैं बिग बॉस का सुपर हीरो तथा ओम जी हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट स्वामी ओम जी, मेरे साथ में दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी, हम लोग ये बात आपको कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बहादुर कांवरियों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ, जिन्होंने कांवरों को तोड़ा, विधर्मियों को मारा और भगवान शिव के द्रोहियों का सर्वनाश करने का सुप्रयास किया। उसके लिए मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ। उसके साथ ही उनको बड़े से बड़े पदों पर बैठे हुए उन लोगों को भी मारने का, तोड़फोड़ करने का मैं आदेश देता हूँ और निवेदन करता हूँ, जो बड़े पोस्ट पर बैठते हुए भी ये उन हमारे वीर योद्धा कांवरियों को जिन्होंने गुंडा कहा है, इनको अब पूरा गुंडागर्दी दिखा करके ही आप लोग चल लें, तभी इनको पता लगेगा कि कांवरियों को गुंडा कहने का मतलब क्या होता है। और उसके साथ साथ मैं अरविंद केजरीवाल के ड्रामा को भी की मैं निंदा करता हूं कि 80,000 का शराब पीकर के वो फटे हुए चप्पल से वो कांवरियों के बीच में गया और हिंदू वोट लेने की कोशिश की। इनके बाकावे में कोई भी हिंदू ना आए और ये तो कट्टर ईसाई है, गोमांस भक्षी है, गो हत्यारा है, नक्सलियों का सरगना है। ऐसे अरविंद केजरीवाल उसके आम आदमी पार्टी को भी खत्म करें। और मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि आप इसी तरह से उग्र बने, क्योंकि ये जो महात्मा गांधी जो ये गाया करता था अहिंसा परमो धर्म, वो उल्टा बोलता था, जबकि तो उसके बाद का जो लफ्ज है वो ये है धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा करना बहुत जरूरी है। जैसे भगवान श्री राम ने रावण वंश का सर्वनाश किया, भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का सर्वनाश करवाया, कंस की हत्या की, तो ये हमारी परंपरा, काली ने, माँ दुर्गा ने राक्षसों का, महिषासुर रक्तबीज आदि का सर्वनाश किया। इनको सर्वनाश करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना बहुत जरूरी है। और मैं अपने सभी हिंदुओं से मैं अपील करता हूँ कि मैं इन कांवरियों का वो अभिनंदन करें, मैं तो अभिनंदन करूंगा ही, मैंने उनके लिस्ट मंगवाए हैं। और मैं पुलिस को मैं धिक्कारता हूँ, जिस पुलिस ने उस तपस्वी कांवरी को चोर कह करके बदनाम किया, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ मैं सरकार से अपील करता हूं कि वो उन पुलिस वालों को दंडित करें। और जो अंडर आर्टिकल 131A के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है कि कानून में परिवर्तन करे, नया कानून बनाए, नया निर्देश जारी करे। और जैसे इन्होंने पहले प्रयास किया था SC ST एक्ट में, जिसकी वजह से सरकार को दोबारा कानून बनाना पड़ा, सावानों केस में किया था, जिसकी वजह से राजीव गांधी को कानून बनाना पड़ा, अभी नरेंद्र मोदी जी को कानून बनाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस अवैध आदेश की धज्जियां उड़ाने के लिए। मैं इन जजों को भी मैं कहता हूं कि आपको जो अधिकार नहीं है उस अधिकार का अतिक्रमण आप ना करें, और यदि आप अतिक्रमण करेंगे तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। इसके साथ और ये जो हमारे पवित्र योद्धा है कांवरी लोग, इनको गुंडा करना बंद करो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि ये तीन महीनों से पहले घर से निकल जाते हैं, लेट लेट करके लाइन खींच करके नंगे पैर हरिद्वार से यहाँ तक आते हैं। तुम यार तुम दस कदम चलकर दिखा दो ना, इतने धूप में तो पता लगे कि तपस्या क्या होती है। इन तपस्वियों को गुंडा कहना बंद करो। और मैं इन तपस्वियों से, इन कांवड़ियों से सभी हिंदुओं से अपील करता हूँ कि जो भी हमारे कांवड़ियों को गोरक्षकों को गुंडा कहता है, मारो उनको, ये मार खाने के लायक लोग हैं। जो भी हिंदुओं का विरोध करेगा उसको मारा जाएगा, उसको पीटा जाएगा, उसकी आरती नहीं उतारी जाएगी। आप मौनी बाबा मत बनो। आप देखिए, अन्याय करने से ज्यादा पाप लगता है अन्याय को बर्दाश्त करने में। तो आप हिंदुओं से मैं अपील करता हूं, आप लोग बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त न करें, बल्कि अन्याय करना सीखें, अन्याय करने की शुरुआत करें, तभी आपका धर्म जिंदा रहेगा, वरना आप पूरे विश्व में छाए हुए आप तो खत्म होते जा रहे हैं। थोड़े से बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर आप कहां कौन से नदी में जाकर के डूबेंगे आप। तो ये हिंद महासागर में डूबने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं, हम संपूर्ण विश्व पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं और संपूर्ण विश्व को हिंदू राष्ट्रमय बनाने के लिए पैदा हुआ, हिंदू राष्ट्रमय बना करके ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मुकेश जैन जी से मैं अपील करता हूँ, वो इस पर प्रकाश डाले। मैं उन कांवड़ भाइयों का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने उन दुष्टों को
जिन्होंने गंगा जल का अपमान किया, जिन्होंने गंगा जल को गिराया और कांवड़ियों का थप्पड़ मारा, उनकी कार को तोड़ा, उन अधर्मियों का विनाश करने की एक लीला उन्होंने शुरू की है। और जो लोग, चाहे वो कितनी बड़ी कोर्ट में बैठे हो, खासतौर से मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को समझाना चाहता हूं कि वो समझ ले, धर्म, हिंदू धर्म को अपमानित करना बंद कर दो। तुम जो हमारे गो रक्षकों को, हमारे धर्म रक्षकों को, हमारे कावड़िया भाइयों को गुंडा कहते हो, तुम्हारी औकात क्या है उनको गुंडा कहने की? अरे तुम अपने घर में रहो, गुंडागर्दी जो तुम कर रहे हो, तुम लोगों को न्याय नहीं दे रहे हो, हिंदी में लिखी हुई याचिकाओं को कूड़े में फेंक रहे हो, जबकि महामहिम राष्ट्रपति जी के 24/11/98 का आदेश है कि आपको हिंदी में दी हुई याचिकाएं स्वीकार करनी है, जो आदेश अंग्रेजी में दिया गया है उसका हिंदी अनुवाद जारी करना है, आपके दफ्तर का सारा काम 100% काम हिंदी में होना चाहिए, आपके लिफाफे हिंदी में छपने चाहिए, आपकी रबड़ की मोहर हिंदी में होनी चाहिए, हिंदी में दिए गए पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाना चाहिए, आपकी गुंडागर्दी, जो ये गुंडागर्दी कर रहे हो, ना लिफाफे अंग्रेजी हिंदी में छपा रखे आपने, ना रबड़ की मोहर हिंदी में रखी है, ना हिंदी के पत्रों का जवाब हिंदी में देते हो, ये गुंडागर्दी बंद कर दो। हिंदी में फैसला लिखते हो, अंग्रेजी में फैसला लिखते हो, हिंदी में अनुवाद देते हो, हिंदी में फैसला नहीं देते हो, इस देश की भाषा की अपमान करते हो, राष्ट्रभाषा का अपमान करते हो, अरे डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, तुम न्याय के सिंहासन में बैठने लगो, जो इस देश की राजभाषा के साथ अपमान कर रहे हैं, जो इस देश की राजभाषा को न्याय नहीं दे रहे हैं, वो अन्यायी है। और मैं कांवड़िया भाइयों से अपील करता हूँ कि जो भी लोग तुम्हें गुंडा कह रहे हैं, उन गुंडे उनको दिखाओ कि गुंडागर्दी क्या होती है। मैं, मेरे लिए ये कांवड़िया भाई धर्म रक्षक है, और जो भी धर्म रक्षक हो, इनको जजों को ये नहीं दिखाई देता कश्मीर में पत्थर बाज मारे जाए, उनको भी गुंडा कहते हैं, वो उनके तो रक्षा करते हैं, ये पूरे के पूरे सर्वोच्च न्यायालय जितने भी जज हैं, ये आतंकवादियों से मिले हुए हैं, नक्सलवादियों से मिले हुए हैं, देशद्रोहियों से मिले हुए हैं, अंग्रेजों के सीआईए का पैसा खाते हैं। मैं कांवड़िया भाइयों से अपील करता हूँ कि जो भी इनको गुंडा कहे, उनको दिखा दो कि गुंडे क्या होते हैं। भारत माता की जय। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो महिला है, ये महिला मुस्लिम है, प्रोस्टिट्यूट है, और ये ISI के इशारे पर इसने ये हमारे कांवड़ियों के खिलाफ बकवास किया है। हमारे कांवड़ी भाई, कांवड़ी भाइयों ने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, और आगे भी ऐसे ही करते रहने की मैं उनसे अपील करता हूँ।